गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर लगभग सबके हो गए। केमिस्ट्री के साथ एक पेपर बीच में बचा होगा, तो उसके लिए काफ़ी टाइम आपको मिल गया पढ़ने के लिए, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अब आपको मेरे ख्याल से एक 22 को पेपर पड़ेगा, पूरा ही टाइम था पढ़ने के लिए। तो सभी ने मेरे ख्याल से पढ़ ही लिया होगा थोड़ा बहुत, है ना, कुछ बहुत बाकी होगा पढ़ने के लिए। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को, ठीक। देखिए, अच्छा, एक्चुअली क्या चैप्टर था रोचेस थ्योरम कॉम्प्लेक्स का, तो एक दो टर्म इधर बीच में तुमसे ले रहे हैं, वो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, है ना। तो तुम्हें पहली थ्योरम इसमें नहीं, जो थ्योरम नंबर 1 थी वो अभी हो सकता कल हम डिस्कस कर देंगे आपको, और एक आर्गुमेंट प्रिंसिपल भी था थ्योरम, वो पूरे डिस्कस करेंगे। आज रोचेस थ्योरम पहले पढ़ाते हैं, काफ़ी बच्चों का सर रोचेस थ्योरम पढ़ा दो, और वो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है रोचेस थ्योरम। उसका रीज़न ये है, लास्ट टाइम रोचेस थ्योरम का एक लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस बार थ्योरम आने के पूरे चांसेस हैं, थ्योरम इस बार आ सकती है, ठीक है। तो देखो, थोड़ा एक काम भाई सब लोग करें, कि जैसे अब जिन बच्चों को सिर्फ मैथ के पेपर देने हैं वो ये बात को अच्छे से ध्यान से समझें। आप मान चलो कि आज से लेकर के आपके कुछ 12-15 दिन हैं जिनमें मैथ्स के पेपर होने हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि आप लोग कोशिश करो कि एक टाइम अपना शेड्यूल कर लो कि हमको 10 चैप्टर तैयार करने हैं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक दिन में तैयार कर लेने हैं, एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पढ़ा हुआ इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि सब कुछ पढ़ के जाओ, यही तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। मान लो जिनका 50% के आसपास बनता है वो लोग जरूर थोड़ी मेहनत जम के कर लें, तो जिनका 60% के आसपास उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो एग्जामिनेशन सारे दे ही सकते हैं अगर देंगे, है ना। तो कोशिश करो सब लोग थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की कोशिश करो, ये ना हो गया चलो पढ़ लेंगे, वो सब चक्कर नहीं भाई, थोड़ा है ना। हम कोशिश कर रहे हैं तुमको जितना मैक्सिमम चाहिए रिवाइज करा सकें, क्योंकि क्लासेस अब हम कंटिन्यूस लेंगे, कल उस तक कॉम्प्लेक्स की क्लास एक और रखेंगे, इसका फिर रियल लेसन पर आएंगे हम, मतलब संडे से रियल की क्लास होगी, यानी कि 20, 21, 22, 23 चार दिन मैक्सिमम टॉपिक कवर कर देंगे आपको हम, थोड़ा रिवाइज करा देंगे जिससे कि आप जल्दी जल्दी तैयार कर पाओ उनको। क्लास किसी दिन भी अब नहीं बंद होगी, 24 को पेपर है, पेपर दे के आओ, शाम को 4 बजे फिर क्लास रहेगी कॉम्प्लेक्स की, उसमें चैप्टर 1, 2, 3 जो भी हमें जो मेन मेन टॉपिक हैं उनको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, जिससे कि आपको रिविजन करने में आसान हो जाए। तो क्लास अब ये मान चलो 2 तारीख तक कोई क्लास अब ऑफ नहीं होंगी, कंटिन्यूस क्लासेस रहेंगी आपकी, पेपर वाइज आप पढ़ते चलो, हम रिविजन कराते चलेंगे आपका। बस इतना है कि आप कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम चाहिए रिवाइज कर पाओ, आप करने की कोशिश करो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए रिवाइज करा पाए, ठीक है ना। चलो, तो देखो, सबसे पहले रोचेस थ्योरम एक चैप्टर था, लिखा रोचेस थ्योरम है, एक्चुअली कई जगह बुक में मेरोमॉर्फिक फंक्शन लिखा होगा। ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता क्या है, आप सबने पढ़ा है, फंक्शन एनालिटिक तब होता है जब कोई भी फंक्शन एक रे आपको रीजन दिया हो या डोमेन दिया हो, उस फंक्शन को देखो ध्यान से करो, फंक्शन डेरिवेटिव है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आप किसी पॉइंट के आसपास सभी पॉइंट पे निकाल सको, तो उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा इस रीजन में, ठीक है। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज सेड टू बी मेरोमॉर्फिक फंक्शन। कोई फंक्शन मेरोमॉर्फिक फंक्शन कब होगा, ठीक है, जब आप ये मान चलो कि वो एनालिटिक होगा एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इन रीजन डी। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जो होंगे, पोल सबको पता क्या होता है, कि जैसे हम मान लें कि एक फंक्शन हमारे पास लिखा है 1/z-1, z-2, आप सबको पता है पोल निकालने का तरीका है, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 पुट करते हैं, उससे हमको पोल मिल जाते हैं z=1, z=2। ये भी पढ़ा था आपने, अगर यहां पर होल स्क्वायर लिखा होता तो आप बोलते कि z=1 इज ए सिंपल पोल एंड z=2 इज ए ऑर्डर्ड पोल, और ऑर्डर कितना होता है इसका 2, ठीक है, ये समझ गए ना बात को। तो पोल इस तरह निकलते हैं, और मान लो यही अगर ऊपर लिखा होता z-a³ लिखा होता, तो इस फंक्शन के हम अगर जीरोज निकालना होता तो जीरोज कैसे निकालते, जो न्यूमरेटर पार्ट होता है उसको 0 पुट करके हम कह सकते हैं कि हमारे z=a जीरोज है, इसमें कितने z=a के 3 जीरो होंगे, ये 3 बार काउंट होगा, ध्यान देना, यानी ऑर्डर्ड 0 कह सकते हो इसको, तो काउंटेड जितनी पावर होगी उतनी बार उसको काउंट किया जाएगा, है ना। z=a कितनी बार होगा, 3 बार, z=2 कितना होगा, 2 बार, मतलब इनको जितनी पावर होगी उतनी बार इसको काउंट किया जाएगा। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन अगर सिंपल लिखी जाए, ए फंक्शन इज सेड टू बी, इसको हम लिखे दे रहे हैं, ए फंक्शन इज सेड टू बी मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी मेरोमॉर्फिक फंक्शन, मेरोमॉर्फिक फंक्शन इफ फंक्शन इज एनालिटिक
फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इन रीजन डी, इन रीजन, मान लो रीजन आपको जो भी दिया है, आर मान लो, डी मान लो, रीजन आर मान लो, डी मान लो, कुछ भी ले सकते हो। और एग्जांपल वही रहेगा, वन अपॉन फाइव जेड, इसका एग्जांपल लिखना चाहो अगर आप तो वन अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, जेड माइनस थ्री, जेड माइनस फोर, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना, ये तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पर ये तुम्हारा एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, क्योंकि टू और वन टू को छोड़कर भी अगर और पॉइंट ले जाए उन पर ये फंक्शन तुम्हारा एनालिटिक बन जाएगा। अब देखो जो थ्योरम तुमको पढ़ाएंगे वो रोचेस थ्योरम है, लेकिन रोचेस थ्योरम के पहले इसमें आप बुक में देखना एक थ्योरम नंबर वन लिखी होगी। थ्योरम वन था क्या उसको थोड़ा तुमको स्टेटमेंट बता दें, उसकी थ्योरम की प्रूफ तुमको जब कल कराएंगे तो बता देंगे कैसे करा गया है। तो इसका देखो थ्योरम जो तुम्हारा वन था उसका स्टेटमेंट खाली तुमको हम बता रहे हैं, इस थ्योरम का प्रूफ तुमको हम कल बताएंगे, क्योंकि देखो इस थ्योरम का स्टेटमेंट बताना जरूरी इसलिए है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक रोचेस थ्योरम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्या फंक्शन था, क्या था इसका थ्योरम, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, अ क्लोज्ड कर्व सी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फाइनाइट, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, इनसाइड सी, इनसाइड सी, देन क्या पढ़ा था आपने, देन पढ़ा था आपने कि वन अपॉन टू पाई आई सी कर्व हो गया जो दिया गया है, ये था एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू था एन माइनस पी, एन माइनस पी, आप सब ने पढ़ा यहां पर n नंबर ऑफ जीरो एंड p नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है, n इज अ नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी एंड p इज अ नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। देखो ये थ्योरम जो है, इस थ्योरम नंबर वन बुक में आपको शायद दी है, इस थ्योरम को हम लोग कल प्रूव करेंगे, करा देंगे, क्योंकि उस तक कभी पूछ लिया लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है करने के लिए। तो थ्योरम वन तुम्हारी ये थी, एक्चुअली जब हम उसको पढ़ेंगे आगे थ्योरम रोचेस थ्योरम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट भी, हमने बताया ना इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो लॉन्ग में आ सकता है आपको। अब देखो ध्यान से, क्योंकि जब आप रोचेस थ्योरम पढ़ते हो वहां सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस की बात होती है, वहां पर पोल की बात नहीं होती है, और जब पोल की बात नहीं होती तो पता है कि जब पोल की बात नहीं होगी तो पी यहां पर फिर नहीं होगा, बोलो ठीक है ना, पी यहां पर नहीं होगा। तो वो थ्योरम एक्चुअली है क्या, अगर मान लिया कोई पॉलीनोमियल आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, जेड में दिया है, जेड की पावर सेवन, टेन जेड क्यूब प्लस फोर जेड, ऐसा कुछ दिया गया, उसको पूरे को पॉलीनोमियल को हम पी जेड मानते हैं। अब पी जेड को हम दो फंक्शन में डिवाइड करते हैं, एक होता है एफ जेड और दूसरा होता है जी जेड, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि ये कर्व है जैसे मॉड जेड इक्वल टू टू दिया है, मॉड जेड इक्वल टू वन दिया है, और आपसे कहेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस दो होंगे, चार होंगे, दस होंगे, इनसाइड इस कर्व के अंदर लाई करेगा, तुमको ये दिखाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है, थ्योरम जो होगा थ्योरम आपको हम बताएंगे। तो एक चीज समझना, यहां पर हमने तुमको जो ये पार्ट बताया ना, ये थ्योरम नंबर वन था, ये इंपॉर्टेंट है, यही हमको यूज करना पड़ेगा और रोचेस थ्योरम के लिए, ठीक है। अब जरा रोचेस थ्योरम को हम पढ़ते हैं, रोचेस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखते क्या है, और फिर आपको हम प्रूव कराने के बाद, ध्यान देना, उसको प्रूव कराने के बाद इसके कुछ प्रॉब्लम हमको हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे करना है। देखो देखे रोचेस थ्योरम कैसे करेंगे, जरा ध्यान दें, देखो हमने कहा यहां पर दो फंक्शन होंगे एफ जेड और जी जेड। एक्चुअली एफ जेड जी जेड क्या है, हमने बताया कि कोई पॉलीनोमियल जेड में दिया जाएगा तो वो एफ जेड प्लस जी जेड होता है, क्या होता है, एफ जेड प्लस जी जेड होता है, लेकिन हम कहते हैं कि दो फंक्शन है एफ जेड और जी जेड, बात समझ गए।
तो आप मान लें इफ एफ जेड एंड जी जेड, इसका स्टेटमेंट पहले हम लिखते हैं, इफ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन, आर एनालिटिक फंक्शन, इसको हटा देना भैया, एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी, मान लिया कोई कर्व है उसमें आपको एब्जेक्टिव दोनों कैसे फंक्शन दिए, एनालिटिक फंक्शन दिए, एंड इफ, ध्यान देना, एंड इफ मॉड ऑफ जी जेड, मॉड ऑफ जी जेड इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, मॉड ऑफ एफ जेड के ऑन सी, ठीक ऑन सी। देखो इसको लिखना बिल्कुल ऐसे कि पेपर में करने को आता है, जैसे तुमको हम बता रहे हैं पहले स्टेटमेंट लिखोगे क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, एम क्या है, सब वैसे लिखवा रहे हैं, ठीक है। और पहले भी क्लास में जब हमने पढ़ाया कुछ इस तरह से ही बताया था आपको, इफ एफ जेड एंड जी जेड आर द एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी, एंड इफ मॉड ऑफ जी जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड ऑन सी, ठीक है, देन देन एफ जेड प्लस जी जेड, ध्यान देना, देन एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड, एंड एफ जेड, ध्यान दो, एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज, सेम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, सेम नंबर ऑफ जीरो इनसाइड सी, कर्व जो तुम्हारा होगा उसके अंदर। तो देखो ये है इसका स्टेटमेंट। अब जरा एक बात तुम समझो, खुद ध्यान से देखो, हमें हर क्वेश्चन में ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि मॉड ऑफ जी जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड है कि नहीं। जब ये कंडीशन फॉलो करेगी तब हम चेक करेंगे कि एफ जेड के कितने रूट्स हैं, कितने जीरोज हैं। जितने एफ जेड के जीरोज होंगे उतने ही एफ जेड प्लस जी जेड के होंगे। तुमको सर एफ जेड प्लस जी जेड क्या है, मैंने अभी तुमको बताया है कि पी जेड जो दिया जाएगा पॉलिनोमियल वही हमारा एफ जेड प्लस जी जेड होता है, ध्यान देना, यानी जो पॉलिनोमियल गिवन होगा वही हमारा एफ जेड प्लस जी जेड होगा। बोलो क्लियर है, बात समझ आ रही है सबको। तो ये हमारा एक्चुअली स्टेटमेंट तो हो गया। अब बात करेंगे स्टेटमेंट अगर हो गया है तो इसके प्रूफ को लिखेंगे कैसे, क्या क्या इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, देखो समझना सब लोग। सबसे पहले जब यहां प्रूफ करेंगे आप, प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, गिवन क्या है लिखें, पहले गिवन लिखो, फर्स्ट नंबर लिखा आपने क्या है कि एफ जेड एंड जी जेड बोथ आर एनालिटिक फंक्शन इनसाइड सी, लिखेंगे क्या, एफ जेड एंड जी जेड बोथ आर एनालिटिक फंक्शन, बोथ आर एनालिटिक फंक्शन इनसाइड सी, इनसाइड कर्व सी लिख दो चाहे सी लिख दो, इनसाइड कर्व सी। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। अब फिर देखो अभी मैं सेकंड नंबर यहां बताया आपको एक चीज और थी कि मॉड ऑफ जी जेड लेस देन होगा मॉड ऑफ एफ जेड। तो जब ये होगा सी में ऑन सी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मॉड ऑफ जी जेड अपॉन मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन वन कह सकते हो ऑन सी। ये हमने जानबूझ के लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा ये बताते हैं। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो अपनी तरफ से क्वेश्चन की तरफ से मानेंगे एक फंक्शन एच जेड, एच जेड बराबर मानेंगे जी जेड अपॉन एफ जेड। तुमको याद रहेगा इससे कि जी जेड बटे एफ जेड को एच जेड मानना, बात समझ गए। ये जानबूझ के सिर्फ लेस देन वन लिखा, और लेस देन वन का मतलब सिंपल मतलब यहां पर इतना ही है कि भाई जब कोई फंक्शन दिया गया है आप कह रहे हो कि सभी रूट्स या सभी जीरोज इनसाइड कर्व लाई करेंगे, इनसाइड का मतलब ही है कि जो कर्व हमको दिया जाए हमेशा उसके अंदर सारे रूट्स लाई करें। लेस देन वन का मतलब ही है कि जो फंक्शन दिया हो उसके अंदर इनसाइड लेस देन, इसीलिए बोला गया इसको कि जीरोज हमारे सारे इनसाइड द कर्व लाई करेंगे। अगर लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लेस देन वन लिखेंगे, ग्रेटर देन वन नहीं होता। ग्रेटर का मतलब बाहर तरफ चलेगा, हमको इनसाइड ही सारा लाना है, ठीक है भाई, समझ गए सब लोग। तो देखो इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि प्रूफ में और हमें क्या क्या करना है, यहां पर ध्यान देना सब लोग। तो ये तुम्हारे पास हुआ कि हमको जब क्वेश्चन ये प्रूफ करने को पेपर में आएगा तो ध्यान देना सब लोग, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे हम आपको बता रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कुछ मत करना, ठीक है। अब देखो एम हमारा क्या है, ये तो हमारा गिवन हो गया, अब एम क्या है उसको लिखते हैं। देखो तो सबने स्टेटमेंट तो लिख ही लिया,
प्रूव हमें करना क्या है वो भी हमने लिखा भाई, हमारा प्रूव करने के लिए गिवन क्या क्या लिख लिया, एम क्या है इसके बाद एम लिखें। देखो एम हमारा क्या होगा, ध्यान देना, इसको मटा रहे हैं ना, ध्यान देना सब लोग, ये आपके पास सब पहले से ही नोट है, नहीं नोट है तो बाद में आराम से नोट कर लेना। अब देखो बात आती है कि हमारा एम क्या है, देखें ध्यान से, एम ये था हमको यहां दिखाना है कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड दोनों के रूट्स यानी दोनों के जीरोस कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो क्या एम हुआ, देखोगे एम है एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड बोथ हैव सेम जीरोस, सेम जीरोस इनसाइड द कर्व सी, इनसाइड कर्व सी, ठीक है भाई, समझ आ गई बात सबको। अब हम देखो यहां के बाद, अभी तुमको हमने जानबूझ कर बताया कि यहां पर अब यहां से लिखोगे लेट, मान लो एच जेड बराबर है, क्या बताया था, जी जेड अपॉन एफ जेड बताया था, लिख लिया हमने जी जेड अपॉन एफ जेड लिख लिया, इसे हमने क्वेश्चन नंबर वन डाल दिया। तो यहां से देखो ध्यान से, हमको यहां से मिल जाएगा जी जेड की वैल्यू आ गई एच जेड इंटू एफ जेड आ गई, इसे क्वेश्चन नंबर टू डाल दो, ठीक। अब बात करते हैं कि पोल यहां पर है नहीं, फंक्शन एनालिटिक है, लिखोगे लेट एन वन एंड एन टू आर द नंबर ऑफ जीरोज, आर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड रिस्पेक्टिवली, एंड एफ जेड रिस्पेक्टिवली। मान लिया आपने कि एफ जेड प्लस जी जेड के नंबर ऑफ जीरोज है एन वन और एफ जेड के नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं एन टू। आपने मान लिया कि एक इसके तुम्हारे एफ जेड प्लस जी जेड के एन वन है और इसके मान लिया आपने एन टू दिए गए हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम लिखें एन वन, अभी तुमको बताया था हमने कि लिखते हैं वन अपॉन टू पाई आई, कर्व हमने सी माना है, बोलो ठीक है। तो लिखा हमने एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड अपॉन एफ जेड प्लस जी जेड डी जेड इक्वल टू कितना बनेगा, एन वन बनेगा। ध्यान दो हमने थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट इसी लिखवाया था, और वो थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट एक बार हम फिर यहां लिख रहे हैं, आपको बताते हैं क्या था, वन अपॉन टू पाई आई लिखते थे एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू एन माइनस पी। लेकिन हमने कहा था भाई पी की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ एन की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा एन वन, और यहां पर क्या होगा एफ डैश जेड प्लस जी जेड, हम पहले इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, फिर इसके लिए लिख लेंगे। लास्ट बंदा भी सबको ना कैसे लिखा गया इसको, देखो बड़ा सिंपल सा का, थोड़ा ध्यान से कर लो, अभी तैयार हो जाएगा, तैयार करने कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा है ना, एक क्वेश्चन हमने मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर थ्री रखना, ऑलरेडी हम वन टू ले चुके हैं पहले, ठीक है। दोबारा लिखें, अगेन लिखो वन अपॉन टू पाई आई सी। अब देखो यहां पर आएगा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू आएगा एन टू के, इसे क्वेश्चन नंबर डाल दो आप फोर। अब समझना, लाना है कि एन वन बराबर एन टू होगा, क्या लाना है एन वन बराबर एन टू लाना है, तो पहले एन वन माइनस एन टू कर दो, इसमें क्या करोगे भाई, इसमें एन वन माइनस एन टू कर देते हैं। देखें जरा ध्यान से, एन वन माइनस एन टू करें, ये हमारा एन वन था, ये एन टू था, इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर करते हैं, ठीक, लिखें इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन नंबर फोर, देखो ध्यान से इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर, चलो लिखें, लिखा हमने एन वन माइनस एन टू इक्वल टू, चलो देखो यहां से आएगा वन अपॉन टू पाई आई सी। अब एक बात जरा ध्यान देना, जब हमने इतना लिखा यहां पर तो आप लिखो पूरा टब जो लिखा है, वो क्या लिखा, एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड अपॉन एफ जेड प्लस जी जेड डी जेड माइनस, दूसरा वाला लिखो एन टू का, लिख लो एन टू था वन अपॉन टू पाई आई सी, यहां पर था एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन नंबर आ गया फाइव। अब देखो ध्यान से, फाइव आने के बाद ध्यान देना, यह हमने एन वन माइनस एन टू इतना लिख लिया है। अब तुम्हें सोचना सोल्यूशन आगे क्या किया जाता है, एक बात समझो आप, इस पूरे पार्ट में वन अपॉन टू पाई आई, वन अपॉन टू पाई आई, ये तो बाहर जाएगा, हो जाएगा ना। और देखो जहां पर जी डैश जेड लिखा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दो, क्योंकि भाई इस पूरे टर्म में कहीं जी जेड तो था, हमने तो माना एफ जेड प्लस जी जेड ना, एफ जेड प्लस जी जेड की बात हो रही थी, इस जी डैश जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर टू को देखो, अगर हम इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट कर दें
तो क्या बनेगा, जी डैश जेड इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है ध्यान देना, चाहे तो आप यही लिख लेना इसी में ही कि देखो हमने यहां चलो अलग कर लेते हैं ना, तो इक्वेशन नंबर टू हम पहले डिफरेंशिएट करके लिखते हैं कितना आएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर टू, लिखेंगे डिफरेंशिएट टू, देखो कितना आया, जी डैश जेड इक्वल टू आया एच डैश जेड इंटू एफ जेड प्लस एच जेड इंटू एफ डैश जेड आ जाएगा। हमें इससे क्वेश्चन नंबर सिक्स रख लेते हैं, बोलो ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको। जैसे ही आया तो जी डैश जेड जहां भी लिखा है और जी जेड लिखा उसको रख दें उठा करके जगह पे, इस वैल्यू को रख दें, रखे देखें वैल्यू कितनी आ रही है, और जी जेड के स्थान पर एच जेड इंटू एफ जेड रख लें। देखें ध्यान से क्या करना है, लिखा हमने n1 माइनस n2, 1 अपॉन 2 पाई आई था बाहर, इसको बाहर कर लिया ठीक, लिखा f डैश जेड जो लिखा उसको लिखा रहने दिया, प्लस g डैश जेड का मान रखा, रखा h डैश जेड एफ जेड प्लस एच जेड इंटू एफ डैश जेड रख लिया, समझा गई बात नहीं, अपॉन अपॉन रखा एफ जेड प्लस, अब जी जेड का मान कर रखोगे तो क्या बताया था हमने, एच जेड इंटू एफ जेड, बोलो भाई ठीक है ना। और अब लिखा ये पार्ट इतना आया माइनस, दूसरा इंटीग्रल में जो लिखा था वो सी पार्ट, क्योंकि देखो दोनों का कर्व तो सेम ही है ना, माइनस लिख लो यहां पर कितना आएगा, यहां लिखा माइनस में आ जाएगा एफ डैश जेड अपॉन आएगा एफ जेड इतना आएगा, और यहां पर लिख दो डी जेड। अब जरा ध्यान से लिखना क्या करना है इसमें हमको, वन अपॉन टू पाई आई, वन अपॉन टू पाई आई सी लिखा रहने दिया, देखो ध्यान से यहां लिखा है एफ डैश जेड, ये भी लिखा है एफ डैश जेड लिखा है, तो अगर एफ डैश जेड अगर हम कॉमन करें वन प्लस एच जेड आएगा, ये कितना आएगा वन प्लस एच जेड आ जाएगा, प्लस एच डैश जेड इंटू एफ जेड लिखा रहने दिया अपॉन, देखो यहां से भी अगर एफ जेड हम कॉमन कर लें तो ये भी बन जाएगा वन प्लस एच जेड बन जाएगा, ठीक है भाई इतना बन गया, माइनस यहां लिखो ये बनेगा फिर से एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड और बन गया डी जेड, बोलो ठीक है भाई समझ आ रही बात सब कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो यहां वन प्लस इसको अलग अलग कर दो, वन प्लस एच जेड जो लिखा है ये पार्ट इससे कट जाएगा तो कितना आएगा वन अपॉन टू पाई आई सी, देखो ये बना एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड ये बन गया, प्लस देखो यहां एफ जेड कट जाएगा तो बच जाएगा एच डैश जेड अपॉन वन प्लस एच जेड बच जाएगा, बोलो ठीक बचा, माइनस अब ध्यान से देखना, ध्यान से जो टर्म यहां कट गया इतना बचा एफ डैश जेड अपॉन इतना बचा, माइनस यहां पर ही बच गया एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड और ये बन गया आपको डी जेड। अब जरा गौर करो इस बात पर, आप ये पूरा इंटीग्रेशन साइन लिखा था ये पार्ट इससे कट जाएगा, बोलो भाई ये पार्ट इससे कट जाएगा, ठीक है क्या बचा अपने पास में, अब सिर्फ अपने पास बचा कि वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल, यहां बचा अपने पास एच डैश जेड वन प्लस एच जेड डी जेड बचा, ठीक है भाई ये क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया मान लो सेवन इतना आ गया। अच्छा अब जरा ध्यान देना इसके बाद हमें करना क्या है, देखो अभी तुमने हमने भी लिखा था कि जी जेड बराबर था एच जेड इंटू एफ जेड, बोलो ठीक है क्या लिखा था कि जी जेड बराबर था एच जेड इंटू एफ जेड लिखा था, बोलो ठीक है यही तो था ना एच जेड इंटू एफ जेड था ठीक। तो अभी तुमने ये पढ़ा कि एफ जेड और जी जेड दोनों कैसे हैं एनालिटिक हैं, बोलो एफ जेड और जी जेड दोनों कैसे हैं एनालिटिक हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि एच जेड बराबर एक्चुअली यहां पर था जी जेड बटे एफ जेड था, इसको तुमने यही माना था इसमें। देखो अगर ये फंक्शन एनालिटिक है और ये फंक्शन भी एनालिटिक है इनसाइड सी, तो भाई जब ये एनालिटिक है तो ये भी तो एनालिटिक होगा, इसके बराबर ही लिखा है, बोलो बात समझ आ रही है, जी जेड एनालिटिक है एफ जेड भी एनालिटिक है, इसका मतलब एच जेड भी कैसा हुआ एनालिटिक फंक्शन हुआ, बोलो ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, ध्यान देना इसमें, यहां तक करने के बाद लिखेंगे वी हैव एच जेड इक्वल टू था जी जेड अपॉन एफ जेड, लिख देना इफ एफ जेड एंड जी जेड बोथ हैव
सॉरी बोथ आर एनालिटिक इन इनसाइड सी देन एच जेड ऑल्सो एनालिटिक इनसाइड सी। ठीक, अच्छा देखो अगर एच जेड यानी कोई भी ऐसा फंक्शन जो एनालिटिक है उसका डेरिवेटिव भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, देन एच डैश जेड इज ऑल्सो एनालिटिक। बोलो ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको कि यदि एफ जेड जी जेड दोनों एनालिटिक है तो एच जेड भी एनालिटिक होगा और उसका डेरिवेटिव भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। अब सब लोग ध्यान करो, आपने कॉची'स थ्योरम पढ़ी थी और इसका उल्टा मोरेरा थ्योरम भी पढ़ा था। कॉची'स थ्योरम क्या पढ़ा था, यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इन साइड सी देन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। बोलो ये तो पढ़ा सबने, तो बाई कॉची'स थ्योरम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जब चैप्टर आप पढ़ोगे, जिन थोड़ा बहुत टाइम हो गया नहीं पढ़ा होगा बता दें, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में थ्योरम नंबर वन लिखा है कि सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो होगा यदि एफ जेड कैसा होगा, एनालिटिक होगा। तो ध्यान दो यदि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है, देखो ध्यान से, ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है और ये लिखा है, अगर एनालिटिक फंक्शन है तो बाई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पढ़ा था कॉची'स थ्योरम से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखो ध्यान से, ये लिखा था एन वन माइनस एन टू इक्वल टू जब जीरो होगा तो एन वन बराबर क्या आ जाएगा, एन टू आ जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देना सब लोग, यहां के बाद लिखना है बाई कॉची'स थ्योरम, इसको हम लिखे दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं लिखेंगे बाई कॉची'स थ्योरम, बाई कॉची'स थ्योरम इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड कर्व सी देन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है जीरो। और यदि ये जीरो है तो हमारे पास भाई जो क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है लिख देंगे, देन ये आ जाएगा सी, इसको लिख लें जीरो, देन सी एच डैश जेड वन प्लस एच जेड डी जेड क्या हो जाएगा, जीरो। और यदि ये जीरो हो गया तो इक्वेशन नंबर सेवन में जब जीरो रखोगे एन वन बराबर एन टू हो जाएगा, देन इक्वेशन इक्वेशन सेवन हो जाएगा एन वन माइनस एन टू इक्वल टू जीरो और एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू। तो यही हमको प्रूव करना था, एन वन किसके रूट्स थे, किसके रूट जीरो थे, एफ जेड प्लस जी जेड के, और L2 किसका था, FZ का था, यानी कि FZ प्लस GZ के जीरोस FZ के जीरोस के बराबर होंगे। बोलो बात समझ आ गई सबको, तो रोचेस थ्योरम बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा रोचेस थ्योरम में ध्यान देना है आपको कि स्टेटमेंट गिवन और एम किस तरह से पूरे को बढ़िया ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिख लिया, अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स की। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया वो भी देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, बुक में दिए होंगे, बुक सबके पास है, केपी गुप्ता की, जरा हम कुछ प्रॉब्लम इससे आपको बताते हैं कि कितने इसमें तुम्हारे प्रॉब्लम क्या क्या होंगे। देखें तो भाई जो लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा सा सब मेरे ही ज्यादातर स्टूडेंट होंगे, तो जरा लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना, क्योंकि भाई अब यूट्यूब पे लाइव का टाइम आ गया पढ़ाने का, तो लाइव ही चलेंगी क्लासेस, तो भाई जरा लाइक वाइक करते रहो सब लोग, है ना। अब कहना पड़ता है तो बेकार है तुम लोगों से, क्योंकि क्लासेस तो जानते हो तुम लोग चली रही हैं, अब चलती रहेंगी क्लासेस, अभी थोड़ा आप लोग ध्यान दो इस पर, है ना। ठीक है, अच्छा शेयर इसलिए करते रहो कि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले, खाली तुम्हीं लोगों को फायदा ना मिले, और कुछ बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। भाई जब पढ़ रहे हैं सब लोग, हम पढ़ा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो तो अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। चलो अब बात करते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम जो दी गई हैं वो हम तो बताते हैं कैसे करी जाएंगी। देखें भाई सब लोग, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें, प्रॉब्लम शायद लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए प्रॉब्लम नंबर थ्री लिखा है इसमें। देखें प्रॉब्लम नंबर थ्री, ध्यान से देखना कैसे करा है। इसमें लिखा है प्रूव दैट ऑल द रूट्स, देखो पी जेड लिखा है, क्या लिखा है, जेड की पावर सेवन फाइव जेड क्यूब प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो lies between mod z equal to 1 and mod z equal to 2। बोल भाई ठीक है ना, समझ गया।
अच्छा अब देखो सबसे पहले बात क्या है, हम चेक करेंगे कि मॉड जेड इक्वल टू वन के अंदर, ध्यान दो उसको अगर बनाएंगे इस तरह से फिगर बनाएंगे तो हम मान लें कि एक फिगर ये मान लो सर्किल मान लो, मॉड जेड इक्वल टू वन यानी वन रेडियस ये हो गया, टू ये हो गया, कह रहे हैं ऑल द रूट्स यानी ऑल द जीरोज लाइज बिटवीन यानी दोनों के बीच में लाई करेंगे पूरे सात के साथ जीरो, इसमें कितने जीरो होंगे सेवन, तो सात के साथ पूरे रूट जो है वन और टू के बीच में लाई करेंगे, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वन के अंदर एक भी रूट लाई नहीं कर रहा है। ठीक, अब कैसे करेंगे जरा तो समझना, जब ये क्वेश्चन सोल्यूशन किए आते हैं तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में सोल्यूशन यहां से करना कि एफ जेड प्लस जी जेड बराबर था पी जेड के, एक बार फिर से लिखते हैं, हमको पता है कि पी जेड बराबर था एफ जेड प्लस जी जेड, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि यहां पर इस इक्वेशन में इस पॉलीनोमियल में एफ जेड भी है और जी जेड भी है, और तुमको बस ये दिमाग में रखना है कि मॉड ऑफ जी जेड होगा लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड के। सबसे पहले लेंगे मॉड जेड इक्वल टू वन के लिए, लिखेंगे फॉर मॉड जेड इक्वल टू वन, तुम्हें सोचना है कि जी जेड यहां पर क्या माना जाए, ध्यान दो जी जेड यहां क्या माना जाए और एफ जेड यहां पर क्या माना जाए, तो ध्यान से देखना एफ जेड जब भी मानना एक सिंगल टर्म होगा, एक सिंगल टर्म होगा, अगर हम मान लें देखो लेट एफ जेड इक्वल टू कितना माना 12 मान लिया और जो बाकी बचा वो जी जेड हो गया, देखो ध्यान से जी जेड क्या बन गया जेड की पावर 7 - 5, तुमको सर कैसे मान लिया आपने भाई, देखो मॉड जेड इक्वल टू कितना लिखा है 1 लिखा है, अगर मॉड ऑफ एफ जेड आप करो तो मॉड ऑफ 12 कितना आएगा, बोलो 12 आएगा नहीं आएगा, चलो मॉड ऑफ जी जेड लिखो, मॉड ऑफ जी जेड मॉड ऑफ जेड की पावर 7 - पूरे का मॉड ले लिया। अब अगर देखो ध्यान से इसमें अगर हम लिखें पूरा सोल्यूशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, ठीक देखो सबसे पहले लिखा हमने ये आ गया मॉड जेड की पावर कितना बना, बोलो मॉड जेड की पावर 7 बन गया और प्लस यहां पे बनेगा देखो कितना, अगर यहां लिखा सोल्यूशन हमने इसको तो क्या लिखेंगे देखो प्लस, भाई देखो ऐसा अलग अलग कर लो उसको, मॉड का ऐसा लिखने कि जैसे प्लस लिखा तो -5 मॉड जेड क्यूब ऐसे लिख लो आप इसको, तो एक्चुअली मॉड के अंदर माइनस है पॉजिटिव भी आएगा, मॉड जेड की पावर 7 प्लस मॉड जेड की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि आप सबने पढ़ा है जेड की पावर आर अगर मॉड के अंदर लिखा है वो मॉड जेड की पावर आर हो जाता है, ध्यान रखना इसी को पढ़ चुके हो आप सब लोग, यदि कहीं जेड क्यूब लिखा उसका मॉड लेंगे तो मॉड जेड का क्यूब बन जाएगा वो, क्लियर। अब देखो ध्यान से यहां से ये जो पार्ट इतना लिखा है अगर मान लो उसमें हम कहते हैं ऐसे ही बना लो उसको जेड की पावर 7 का मॉड प्लस इतना अलग कर लिया हमने इसको, ठीक कर सकते हो ना, जेड की पावर 7 का मॉड प्लस -5 जेड क्यूब का मॉड, और हमने बताया कि जेड की पावर आर का मॉड मॉड जेड की पावर आर होता है, तो भाई सिंपल मॉड जेड की पावर 7 प्लस 5 मॉड जेड का क्यूब बन गया, मॉड जेड इक्वल टू था कितना 1 रखो 1 की पावर 7 1 आएगा, 5 * 1 आया कितना आया देखो ये 6 आया, बोलो 6 आया, ध्यान दो मॉड जेड कितना आया 6, मॉड एफ जेड कितना आया था 12, बोलो ये कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है भाई ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब आप खुद बताओ, अच्छा हमको चलो हमको बताओगे कि एफ जेड का रूट कितना होगा, एफ जेड का रूट बताओ कितना होगा, बोलो ये क्या लिखा है जेड की पावर 0, क्या लिखा है जेड की पावर 0, यानी एफ जेड रूट हमारे हुए कितने, एफ जेड रूट कितना होगा 0 रूट हुए, और तुमको अभी हम थ्योरम में बता चुके हैं कि यदि ये कंडीशन फॉलो कर जाए, ये कंडीशन फॉलो कर जाए तो एफ जेड प्लस जी जेड के जितने रूट होंगे उतने ही किसके रूट होंगे एफ जेड के होंगे, तो भाई हम सिर्फ एफ जेड के रूट निकालने कितने हैं तो हमको मिल जाएगा ना कि एफ जेड प्लस जी जेड कितने रूट होंगे, बोलो एफ जेड रूट कितने हुए 0 हुए, इसका मतलब जब इसके 0 रूट हैं तो भाई इस पूरे के रूट कितने हुए 0 ही तो हुए, यानी कि मॉड जेड इक्वल टू 1 के अंदर इसके रूट कितने लाई कर रहे हैं 0, कितने लाई कर रहे हैं 0, बोलो बात समझ आई नहीं समझ आई, क्या तरीका है, जो फंक्शन लिखा है पूरा वो एफ जेड प्लस जी जेड लिखा होता है, एफ जेड हमेशा एक सिंगल टर्म होगा, कोई 2-3 टर्म होंगे, दिमाग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो अपने आप कर लोगे इसको कि किसको एफ जेड माने किसको जी जेड माने सॉरी किसको एफ जेड माने किसको एफ जेड प्लस जी जेड माने, तो बड़ी सिंपल सी बात है एफ जेड आपने माना जी जेड माना और चेक करा ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अब हम दूसरे की बात करेंगे मॉड जेड इक्वल टू की बात करेंगे, जरा समझना अभी समझ में आ जाएगा तुमको अपने आप समझ आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं करने हम देखो। अब अगेन दूसरा हम मान लें अगेन मॉड जेड इक्वल टू 2 मान लिया, अब ध्यान से देखो जो हमारा पी जेड यानी कि एफ जेड प्लस जी जेड जो लिखा है वो लिखा था जेड की पावर 7
माइनस फाइव जेड क्यूब प्लस 12। गौर करो, अगर हम इस क्वेश्चन में एफ जेड की वैल्यू मान लें जेड की पावर 7, तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि भाई जरा मॉड ऑफ एफ जेड निकालो, तो बोलोगे जेड की पावर 7 का मॉड, मॉड जेड की पावर 7 हो जाएगा। मॉड जेड का मान कितना था 2, तो 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब जो बचा वो क्या है, देखो जी जेड कितना हुआ, जी जेड हो गया माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12 हो गया। इस पूरे का भी मॉड ले लो आप, तो मॉड लेंगे तो 5 तो बाहर हो जाएगा, मॉड जेड का क्यूब और प्लस 12 हो जाएगा, 5 इंटू मॉड जेड 2 था, 2 का क्यूब प्लस 12, 5 इंटू ये आएगा 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 12, ये कितना हो गया, ये 52 कितना आ गया 50। ध्यान से देखो मॉड एफ जेड कितना है 128, मॉड ऑफ जी जेड कितना है 52, तो उसमें इसका क्लियर हुआ कि मॉड ऑफ जी जेड लेस देन है मॉड ऑफ जेड। कंडीशन फॉलो हो गई कि नहीं, बोलो हो गई। तो ध्यान दो एफ जेड के कितने रूट हुए, कितने रूट हुए एफ जेड के, जेड की पावर क्या लिखा है 7, यानी कि मॉड जेड इक्वल टू 2 के अंदर 7 रूट लाई करेंगे, कितने लाई करेंगे 7 लाई करेंगे, क्योंकि जितने एफ जेड होंगे उतने ही एफ जेड प्लस जी जेड के होंगे। ठीक, तो यानी कि जेड की पावर 7 क्लियर हुआ, यहां पूरे पूरे 7 रूट होंगे जो मॉड जेड इक्वल टू 2 के अंदर लाई करेंगे। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अच्छा अभी जो मैंने बताया आपको कि भाई साफ साफ बोला है कि 1 के अंदर एक भी लाई नहीं कर रहा है, 2 के अंदर पूरे 7ों के 7ों लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में ही तो लाई करेंगे भाई, जब इसमें लाई नहीं कर रहे इसके बीच में लाई करेंगे नहीं करेंगे, बोलो। तो भाई एक बात समझो, सबसे बड़ी बात है कि यदि एफ जेड के रूट मिल जाए, इसके रूट मिल जाए, इस कर्व के अंदर कितने रूट लाई कर रहे हैं, तो एफ जेड प्लस जी जेड अपने आप मिल जाएंगे। इसीलिए रोचेस थ्योरम बनाई गई थी कि भाई एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड दोनों के रूट कैसे होंगे, सेम होंगे। क्लियर, समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 10 नंबर में पूछा गया था, आप देखना उठा के अनसॉल्व में, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका हम लोग। इसका एक अगला क्वेश्चन देखो लिखा है, यूजिंग रोचेस थ्योरम डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। देखो ध्यान से, तो मैं एक क्वेश्चन और हम करके बता रहे हैं, इसमें मुश्किल से 3 या 4 सवाल दिए, ज्यादा है ना, उन्हीं में से कोई सवाल करने को आता है, तो भाई हो सकता है इस बार सेक्शन ए में करने को आ जाए, है ना, तो इसलिए आप इसके क्वेश्चन कर लेना, कोई नहीं आएगा तो हमको मैसेज डाल देना, हम तुम्हें कल डिस्कस कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी आएगा तो। देखो प्रॉब्लम नंबर 4, पी जेड लिखा है जेड की पावर 10 माइनस 6 जेड की पावर 7 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1 इन मॉड जेड लेस देन 1। कह रहे यूजिंग रोचेस थ्योरम डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करो कि कौन किसके रूट, मतलब कितने रूट यहां मॉड जेड इक्वल टू सॉरी लेस देन 1 के अंदर लाई कर रहे हैं। एक बात खुद सोचो आप इस क्वेश्चन में पूरे में समझना, हम इसमें क्या मानेंगे एफ जेड। देखो ध्यान से, अगर एफ जेड को हम मान लें माइनस 6 जेड की पावर 7 लिखा है, अब तुम कहो सर ये क्यों मान लिया, गौर करो जो बाकी बचा जी जेड होगा वो क्या बनेगा, जेड की पावर 10 3 जेड क्यूब प्लस 1। ये मैं अपने हिसाब से किस तरह से माना भी समझ जाओगे, मॉड जेड इक्वल टू कितना दिया है लेस देन 1 के अंदर पूछा, मान लो मॉड इक्वल टू 1 दिया गया है। अब जरा मॉड ऑफ एफ जेड निकालो, तो मॉड ऑफ एफ जेड निकालते हैं, 6 बाहर आ गया, जेड की पावर 7 हुआ, 6 इंटू 1 की पावर 7 6 आ गया। जरा जी जेड चेक करो, मॉड ऑफ जी जेड निकालो, जेड की पावर 10 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1, इस पूरे का मॉड लेंगे तो जेड की पावर 10 का मॉड 3 बाहर हुआ, जेड क्यूब का मॉड प्लस 1 का मॉड। देखो ध्यान से, ये हुआ मॉड जेड की पावर 10 3 मॉड जेड का होल क्यूब प्लस 1, ये 1 था, 1 की पावर 10 1 ही रहेगा, 3 रहेगा प्लस 1 रहेगा, ये कितना आया बोलो, ये आया 5। बोल ठीक है, ये 5 आया, ये कितना आया 6 आया, बोलो कंडीशन क्लियर हुई, मॉड जी डेड लेस देन हो गया मॉड ऑफ एफ जेड के। क्लियर, एफ जेड के कितने रूट हैं बोलो 7, कितने रूट हैं यहाँ पर 7, एफ जेड के 7 रूट हैं क्योंकि एफ जेड इक्वल टू था माइनस जेड की पावर 7, तो जब एफ जेड के 7 रूट हैं तो एफ जेड प्लस जी जेड के भी कितने होंगे 7 रूट होंगे, यानी कि इस पॉलीनोमियल के 7 रूट होंगे जो इसके अंदर लाई करेंगे। बोलो ठीक है, ये बात समझ आ गई, जरा चेक करना शायद यही आ रहा होगा, 7 रूट्स आ रहे होंगे इनसाइड द सी। तो मेरे ख्याल से भाई सबको बात समझ आ गई होगी, और देखो तुम्हारे पास सिर्फ दो सवाल इसमें और दिए हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम। अब जरा सब लोग अपने आप कर देखो, अब करें खुद करना घर पे, ये नहीं कि तुमको मैं
बताने की जरूरत है मेरे ख्याल से, थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, जरा अपने आप करना, क्वेश्चन के सोल्यूशन मत देखना। तो इससे क्या होगा ना कि अगर कोई इसके अलावा भी कोई सवाल आएगा तो आप उसको तुरंत कर पाओगे। ठीक, अभी भी हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि भाई आपके पास टाइम थोड़ा सा 12 13 दिन 14 दिन जो भी है, जम के मेहनत कर लो, यही काम आएगा आगे। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ तुम्हें रिवाइज करा सकें वो करा दें। ठीक है, तो ये मत करना कि नहीं सर वो हो नहीं पाया और 6 दिन ये लॉकडाउन था दुनिया भर की, अब बातें समझाने की जरूरत नहीं, अब तो सीधा पढ़ने की जरूरत है, केवल ध्यान रखना, अब सिर्फ आप पढ़ाई करो बस। पढ़ाई करोगे तो ही कुछ बाकी होने वाला है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों ने ठीक, अच्छी बात है, अभिषेक बोल रहे हैं बिल्कुल कहना नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। पेज नंबर बता दें बेटा, कॉम्प्लेक्स की बुक ले लो। कॉम्प्लेक्स की बुक में आप देखो रोचेस थ्योरम चैप्टर कहाँ दिया है, है ना। हो सकता है पेज नंबर बताने का सब फायदा से नहीं है, कुछ बुक्स पुरानी भी होंगी, कुछ बुक्स नई होंगी, तो उसमें क्या हुआ पेज डिफर करते हैं, पेज वहां पर डिफर कर रहे होंगे। इसलिए भाई आप ऐसा करो, पेज अगर डिफर कर रहे हैं तो टेंशन मत लो, आप रोचेस थ्योरम चैप्टर निकालो, वहां पर ये एग्जाम्पल सीरियल से दिए हैं आपको, एग्जाम्पल आपको सीरियल से दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एक बच्चे का नॉइज आ रही तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका कुछ फिल्टर वाला कुछ पोर्शन गायब था जो हम आए यहाँ पढ़ाने, तो टेंशन मत लो, आगे कल से नहीं रहेगा, उसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में सबको आ गया होगा रोचेस थ्योरम कैसे करना है। अब उसको क्या करना, अभी आपने पढ़ा है, जिन लोगों ने लाइव पढ़ा है या बाद में पढ़ेंगे, कोशिश करो एक बार अपने आप से लिख डालो, अपने आप से एक बार लिख डालो इसको और क्वेश्चन कर डालो। चैप्टर तैयार है, कल इसका थ्योरम वन हम बता देंगे, उसका एक आध क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, और एक आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे है। तो जब उतना पढ़ लोगे, चैप्टर अभी से तैयार कर लो, एक चैप्टर तुम्हारा तैयार हो गया, इस चैप्टर से एटलीस्ट 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इससे कम नहीं आएगा, मैं आप बोल रहा हूँ आपको, 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक चैप्टर अभी आप 2 दिन में तैयार कर सकते हो आराम से। ठीक है, इतना सब लोग कर लें, और बाकी हम लोग फिर कल शाम को 4 बजे इसी टाइम पर हम फिर क्लास लेने आएंगे, 4 बजे ही क्लास रहेगी। ठीक है, इस टाइम कल क्लास लेने आते हैं और हम कोशिश करेंगे जो बाकी बचा पार्ट इस टॉपिक का वो कंप्लीट कर दें आपको। ठीक, तो बाकी बचा हुआ पार्ट इस टॉपिक का कंप्लीट किया जाएगा, आज इतना ही कर लो। ठीक है, क्योंकि आज सुबह से मेरी क्लासेस कई सारी थी, अब आज इससे ज़्यादा नहीं करा सकते क्लास में, तो कल 4 बजे शाम को फिर से क्लास रहेगी। ठीक, चलो, ओके, थैंक यू। अब यार देखो इसमें देना कितने घंटे घंटे